हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। जैसा कि आप जानते हैं, आपको अभी थोड़ा देर पहले बता दिया गया था आज ये क्लास रात 9 बजे से चलेगी। ईमानदारी से देखना, क्लास को पूरा देखना, हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, किसी का नाम नहीं लेंगे। पहुंची हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रियांशु, सौरभ और आकांक्षा, और कौन जुड़ा है भैया, प्रांजल। तो बहुत से छात्र जुड़े हुए हैं। चलिए, आपका एक्सरसाइज 5.1 शुरू होगा। बच्चों देखो, आज आपका चैप्टर नंबर 5वां शुरू होगा क्लास 9th की मैथ में, और 5वां चैप्टर आप जानते हो कि यूक्लिड का जो है वो ज्यामिति का परिचय है। तो यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय के जो चैप्टर का मटेरियल है उसको शुरू करने के पहले आपको ये कुछ चीज़ें आनी चाहिए जो कि उसमें प्रयोग होंगी। उनका कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि लड़ाई में जाने के लिए सबसे पहले आपको औजार की व्यवस्था करनी होती है, आदमियों की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से पहले ये ज़रूरतें आपको पूरी करनी पड़ेंगी। बिंदु किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आप समझ लो, इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। बिंदु समतल में स्थिति को बताने के लिए एक सूक्ष्म चिन्ह है, ना तो इसकी मोटाई होती है, ना लंबाई होती है, और ना ही चौड़ाई होती है, कुछ भी नहीं होता है इसमें। ये पहली परिभाषा है। बिंदु का चित्र अगर बनाएं तो ऐसे कोई चीज़ रख दो, कहीं ये बिंदु हो गया, जिसे पॉइंट बोलते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा है छोटी सी, कि कलम या पेंसिल के नोक को सादे कागज़ पर दबाने से जो चिन्ह बनता है, चुभाने से, वो बिंदु कहलाता है। ये छोटी सी प्यारी सी परिभाषा है, इसे आप नोट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट होगा हमारा रेखा। रेखा के बारे में आप परिचित हो, लेकिन हम उसको दिखाएंगे। डेफिनेशन ध्यान से देखना, क्लास को पूरा एंड तक देखना, कहीं मत जाना, जल्दी लिख लो। तो आप पहला समझ गए। दूसरा है बच्चों रेखा। रेखा किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में लाइन बोलते हैं। आपने अभी सीख लिया था कि क्या सीखा था, बिंदु किसे कहते हैं, परिभाषा देख लिया ना, कि पेंसिल या पेन को कागज़ पर चुभाने से जो निशान बनता है वो क्या कहलाती है, बिंदु कहलाती है। या फिर इसकी परिभाषा दूसरे तरीका से आपने देखा था कि समतल में स्थित किसी सूक्ष्म बिंदु को जो किसी चीज़ की स्थिति बताने के लिए दिखाया जाए वो बिंदु कहलाता है। ये उसी पर आधारित है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति जो होती है, या जो भी चीज़ बनता है दो बिंदु को मिलाने पर, वो रेखा कहलाती है। जैसे दो बिंदु हमने मान लो यहाँ पर लिया था ए और बी, इसको हमने मिलाया, तो बीच में जो ये आकृति बन रही, जो बन रहा है, ये क्या है, रेखा है। ठीक है, ये क्या है, रेखा है। इसमें दोनों तरफ क्या होता है, एरो होता है, ये ध्यान देना। हाँ, समझ गए ना, ये क्या है, रेखा है। इसके अलावा ये क्या है, ये बच्चा, ये भी रेखा है, लेकिन ये अलग तरह की रेखा है। इसमें दो बिंदु है P और Q, ये भी क्या है, इसको मैंने मिलाया टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी, लेकिन ये भी एक रेखा है, लेकिन ये वक्र रेखा है क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा गई है। इसे इंग्लिश में कर्व लाइन बोलते हैं, और ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन, जिसे सरल रेखा भी कहा जा सकता है। समझ गए, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर कुछ भी कन्फ्यूज है तो आप निसंकोच कमेंट करके बताइए। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण एक और पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, जिसे कहते हैं पृष्ठ या सरफेस। बहुत ध्यान से देखना। 2D आपने सुना होगा, 2D आकृति और 3D आकृति। तो बच्चा लोग, 2D आकृति वो होती है, इसके बारे में हम बताएंगे, पहले इसका मतलब जान लो। 2D मतलब होता है टू डायमेंशनल, मतलब दो आयाम, और 3D मतलब होता है जिसमें, मतलब एक से अधिक आपको फेस दिख सके, यानी जिसमें 6 फेस आपको दिख सके, ऐसा मान लो, वो 3 डायमेंशनल होती है। जैसे एक प्रकार से आप जान लो, आपने देखा होगा क्यूबाइट देखा होगा, लूडो वाली गुट्टी वगैरह देखा होगा, तो ये क्या है, 3 डायमेंशनल है। लेकिन अगर हम बात करें पेपर की, हाँ, ये वाइट बोर्ड देखो, तो ये क्या है, 2 डायमेंशनल है, क्योंकि इसमें कोई विशेष मोटाई नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक फ्लैट आकृति होती है ना। तो बस ऐसे समझ लो, दो आयामों वाली, आयाम मतलब डायमेंशनल, वही चपटी सतह को पृष्ठ कहा जाता है, जैसे छत, कमरे की फर्श, सफ़ेद बोर्ड आदि। तो 2 डायमेंशनल का मैं आपको इसमें अंतर बता देता हूँ, ध्यान से देखो 2D और 3D आकृति क्या होती हैं। देखो दोनों में अंतर समझ लो बच्चा, ये क्या है, ये 2 डायमेंशनल शेप है, या फिर आकृति ऐसे कह लो, ठीक है, ये क्या है, 2 डायमेंशनल है, यानी इसमें कोई ऊंचाई है नहीं ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, लंबाई है और चौड़ाई है, बस यही तो है ना, बाकी और कुछ नहीं है ना। जैसे अगर मैं यहाँ फिगर बना दूँ, ये देखो, ये क्या है, इसमें लंबाई और चौड़ाई है बस, मतलब सॉरी, लंबाई चौड़ाई तो कुछ नहीं है, एक प्रकार से आप जान लो ये सर्कल रूप में है, ये क्या है, 2 डायमेंशनल है। लेकिन मैंने एक वर्ग बना दिया, ये क्या है बच्चा, ये भी क्या है, 2 डायमेंशनल है। अभी ध्यान से समझो, पूरा बहुत अच्छे से समझ लो कि 2D और 3D आकृति में क्या अंतर होता है। और 3D की अगर बात करें तो ये भी क्या है, एक 3D आकृति है, जिसका मैं अभी आपको रियल में फिगर दिखाऊंगा, बस यहीं पे देखते रहो, बहुत अच्छे से, कभी लाइफ में भूलोगे नहीं। ये देखो, इनको ऐसे बना लो, ये 3D शेप है। 3D मतलब आप जान रहे हो,
जिसमें ऊंचाई भी हो, चौड़ाई भी हो, लंबाई भी हो, सब कुछ हो, 3D शेप होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप ये समझ लो बच्चा लोग, ये क्या है, 3D शेप है। इसमें देखो लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, सब कुछ है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब है ना, ये 3D शेप है। इसके अलावा आपके सबके घर में उपलब्ध होगा, आप लोग दूध लाते जाते होंगे, पानी लाने, ये डिब्बा देखो, डल्लू जिसे बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं अपने अपनी भाषा में, ये क्या है, 3D शेप का है। इसमें देखो ऊंचाई है, गोलाई है, नीचे देखो अगर मैं इसको पलटा कर दूं ऐसे, आप इधर साइड में देख लो, ये 3D शेप है। समझ में आया ना, 2D 3D आकृति क्या होती है। बस अब इसके आगे आपको क्या बताएं, आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ें। चलिए ध्यान से देखना, इसको नोट कर लो जिनको करना, जल्दी करो। अब चलिए आपकी किताबी कहानी क्या है उसको देखते हैं। क्लास 9th की NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 यानी कि एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखना। पहला सवाल कहता है कि निम्न कथनों में से कौन सत्य है कौन असत्य है, अपने उत्तर की जांच के लिए कारण भी दीजिए। मतलब कारण बताओ, नोटिस पहले से मिला है, पहले तो आप ये बताओ कि ये कहानी सही है कि गलत है। और अगर आपने कह दिया खुदा ना खास्ता कि सही है, तो बताओ बच्चा क्यों सही है। अगर आपने कह दिया गलत है, तो फिर क्यों गलत है। मतलब ऐसे कहे कि आप छुट्टी नहीं पाने वाले हैं, तो मैं उसको पूरी तरह से यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा, एंड तक देखना वीडियो, स्किप मत करना। कह रहा कि एक बिंदु से होकर जाने वाली केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, कमाल की बात करता है। कह रहा कि एक बिंदु से सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है, मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बता दिया पूरा कॉन्सेप्ट कि बच्चा एक बिंदु से होकर के अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, आप किसी भी तरफ को रेखा खींच सकते हो, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, यानी ये कहानी जो है वो असत्य है। क्या होगा ये असत्य है, फाल्स है ये लाइन, आप लिख देना असत्य, ब्रेकेट में लिखना, एक बिंदु से होकर जाने वाली अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसलिए ये गलत है। दूसरा ध्यान से देखो, बहुत ही प्यार से देखना, कह रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, मतलब इसकी खोपड़ी ही उल्टी है, हर जगह उल्टा बोल रहा है। दो भिन्न बिंदु मतलब दो अलग अलग बिंदु, आपको मैंने बताया था जब तक आप अकेले हो तब तक आज़ाद हो, जहाँ आप एक से दो हुए ना, तहाँ आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, क्यों देर में आए, है ना, आप समझ गए ना। तो जब दो हो जाएंगे तो क्या होगा, लिमिटेड हो जाएंगे, फिर यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, मुर्गी की दौड़ घूर तक बस। तो इतना जान लो कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है, बस रेखा, समझ गए ना, बाकी आप टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर कर दोगे कहीं को, वो अलग बात है। तो ये कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो गया दो। तीसरा देखो क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखिए, वीडियो ऑनलाइन देखना, अगर पढ़ना है तो डाउनलोड नहीं करेगा कोई भी बच्चा वीडियो, अगर आप वीडियो को यूट्यूब पे किसी भी माध्यम से कहीं भी डाउनलोड करते हो तो फिर आपको हमारी क्लास नहीं मिलेंगी, याद रखना, सिर्फ कुछ ही वीडियो मिलेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको नहीं मिलेंगे। और अगर आप ईमानदारी से चाहते हो कि हम पूरा मैथ फ्री में यूट्यूब पे पढ़ पाएं, तो वीडियो डाउनलोड ना करो, ऑनलाइन देखो, इंटरनेट नहीं है तो मत देखो, अगर कोई समस्या है तो नंबर पे संपर्क करो, हल किया जाएगा, लेकिन ऑनलाइन देखो, ठीक ना। अगले के इसमें जो पॉइंट है ध्यान से देखो क्या कहते हैं, कह रहा कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। पहले तो इनका नाम लेना सीख लो बच्चा लोग, शांत रेखा जिसे आप देख रहे हो ना, जिसे आप अपनी भाषा में रेखाखंड बोलते हो, उसको जो यूक्लिड बाबा उसको रेखाखंड बोलते थे, क्या बोलते थे, रेखाखंड बोलते थे, उसको शांत रेखा कहा जाता है, यानी हम जिसे रेखाखंड बोलते हैं उसी को यूक्लिड बाबा शांत रेखा कहते थे, ठीक। तो ये शांत रेखा है, मतलब रेखाखंड को ही शांत रेखा कहा जाता है, ये समझ लो। तो अगर कोई रेखाखंड है तो आप पढ़े हो कि रेखाखंड दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, रेखाखंड दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, यानी कि ये कथन जो है सत्य है, इसे लिख दो सत्य है, ब्रेकेट में लिख देना, क्योंकि रेखाखंड को अनंत तक दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। अगला कह रहा है यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, ये तो ऐसे हुआ उल्टा चोर कुतवाल को डांटे, अभी तक इनकी पहचान होती थी वृत्त महाराज की, कि बराबर अगर वृत्त की बात हो, कि अगर दोनों वृत्त की त्रिज्याएं बराबर हैं तो वृत्त बराबर होगा, लेकिन ये तो उल्टा बोल रहा है, कह रहा है अगर त्रिवृत्त बराबर है तो त्रिज्या बराबर होगी, क्या सीधी सी बात है, देखो क्या होता है, अगर दो वृत्त मैंने खींचा ऐसे, हाँ बहुत ध्यान से देखो, इसमें त्रिज्या क्या होती, ये होता है जो बीच में स्थित बिंदु होता है उसे केंद्र बोलते हैं, और केंद्र से जो परिधि को मिलाती है ये रेखा त्रिज्या कहलाती है। अब ये किसी भी तरफ को मिला सकती है, वृत्त बराबर होंगे तो आप ये अनुमान लगा लो बच्चा लोग कि जो ये रेखा ऐसे मिलाओगे वो कहाँ जाएगी, ये मैंने यहाँ से मिला दिया था, ये मैंने ये बनाया था, ठीक है, ये बराबर होगा कि नहीं, सोचो
अगर दोनों गोला बराबर है और गोला के बीचों बीच केंद्र से कोई रेखा खींचते हो, दोनों बराबर होगी ना? होगी, देख लो करके, ठीक है? तो लिख दो सत्य, सत्य। कारण क्या है? क्योंकि बराबर त्रिज्य की, बराबर त्रिज्या वाली वृत्त हमेशा बराबर होती हैं। कारण लिख देना, क्योंकि बराबर त्रिज्या वाली वृत्त हमेशा बराबर होती हैं। जल्दी करो, फटाफट नोट करो बच्चा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पांचवा देखो क्या कहता है। अगला नंबर देखो, कह रहा है कि आकृति 5.9 में, पांचवा पार्ट है इसमें का, पहला का, पांचवा और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन फर्स्ट का, लास्ट पार्ट 5.9 में, यदि ए बी इक्वल पी क्यू और पी क्यू इक्वल एक्स वाई, तो क्या ए बी एक्स वाई के बराबर होगा? हाँ बिल्कुल होगा। देखो कैसे, आकृति 5.9 यही है जो मैं बनाया हूँ। इसमें कह रहा कि ए बी के बराबर है कौन? ये पी क्यू बराबर है। तो मान लो बच्चा ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना है? 5 सेंटीमीटर है, यही बोल रहा है ये। और ये फिर क्या कह रहा है आगे देखो, आगे कह रहा है ए बी पी क्यू के बराबर है। हमने कर दिया, ए बी पी क्यू के बराबर हो गई, दोनों 5-5 हो गई। फिर आगे कह रहा कि पी क्यू जो है एक्स वाई के बराबर है। तो बच्चा ये जो पी क्यू है वो एक्स वाई के बराबर है, यानी ये भी कितना है? फिर 5 ही है। तो फिर लास्ट में बेवकूफ़ बना रहा, कह रहा फिर क्या ए बी एक्स वाई के बराबर होगा? हाँ सिंपल सी बात है, होगा। देखो यहाँ से कहानी देख लो, सब 5-5 है ना। तो समझ गए, इस तरह से आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से नोट कर लीजिए, छाप लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही ईमानदारी के साथ देखना बच्चा लोग, भागना मत, क्लास को पूरा देखो और खूब शेयर करो अपने साथियों में, जिससे कि आपको इस तरह से कंप्लीट सोल्यूशन मिल सके। एक भी क्वेश्चन, एक भी पार्ट हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप खूब शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने चाहिए, तभी इस तरह से क्लास मिलेगी। नहीं तो फिर हम बीच बीच का क्वेश्चन बताएंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर आप परेशान रहोगे। इसलिए खूब शेयर करो, खूब शेयर करो, लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई समस्या है तो नंबर पर संपर्क करो, नंबर ऊपर दिख रहा है। निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा ज्ञात कीजिए, मतलब डेफिनेशन दीजिए। अगर मैं पूरा सवाल पढ़ के सुनाता हूं तो आगे भी सुन लो, आगे क्या लिखा है, परिभाषा दीजिए। उसके बाद कह रहा कि क्या इनके लिए कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर सकते हैं या कैसे परिभाषित कर पाएंगे। तो पहला नंबर है बच्चा समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं पहले आप इसे अच्छे से समझ लो, फिर लिखना या ना लिखना ये आपकी मर्जी है। देखो समांतर रेखाएं अक्सर होती क्या है एक्चुअल में, जैसे मैंने ये दो पेन कर दिया ना, तो ये समांतर रेखा है। आपने रेलवे की पटरी देखा होगा, हमेशा ऐसे होती है, ऐसे तो नहीं होती ना, एक पटरी इधर को एक इधर को, नहीं ऐसे होती ना। रेलवे की पटरी हमेशा क्या होती, समांतर होती है। जैसे देखो ये दो, ये क्या है, समांतर रेखाएं। अभी इन्हें परिभाषा लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो। इनको बच्चा चाहे जिधर को बढ़ाओ और चाहे जितना बढ़ाओ, ये कभी भी एक दूसरे पे चढ़ेंगी नहीं, मतलब एक दूसरे को काटेंगी नहीं। ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं। इसके विपरीत वह रेखाएं जिनको आगे बढ़ाने के बाद एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं भैया, ये इसको मैथ की भाषा में चढ़ना नहीं बोलेंगे, प्रतिच्छेदित बोलेंगे, हाँ इंटरसेक्ट बोलेंगे। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो आपको क्या समझ में आए इन दोनों में, वह रेखाएं जो कभी नहीं मिलती हैं, वह रेखाएं जो एक दूसरे में कभी नहीं मिलती हैं, वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। लिखो कॉपी खोल के, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा आज, याद रखना। देखो प्रशांत जी जुड़े हुए हैं, अनुष्का और कौन है भैया, प्रीति और मोहित, मैं देख पा रहा हूँ सबका कमेंट, मैं किसी का कमेंट नहीं बोलूंगा। अगर पढ़ना है तो प्यार से पढ़ लो, लिख लो, सोचो कि हम सबका कमेंट बोलें तो फिर हो गई पढ़ाई। हाँ तो समझ गए, वह रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं मिलती हैं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इसका एक एग्जांपल सीढ़ी है आपके घर में, अगर आपके घर में बांस वाली सीढ़ी जिस पर चढ़ते हो तो उसमें डंडे जो हैं देखो समांतर क्रम में ऐसे लगे रहते हैं। हाँ बाकी लंबवत रेखाओं का एग्जांपल ये है, समांतर को इंग्लिश में पैरेलल लाइन कहते हैं, जबकि लंबवत को इंग्लिश में परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। तो ये होंगे इसके एग्जांपल और इनके परिभाषाएं, आप इन्हें फट से लिखो। इनका एक और परिभाषा आप सुन लो, ये लंबवत रेखा का, आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि सरल रेखा मतलब जो सीधी रेखा पहले से खींची है, इस पे समकोण बनाने वाली रेखा लंब रेखा कहलाती है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सरल रेखा पर समकोण बनाने वाली रेखा लंब रेखा कहलाती है, मतलब जो 90 अंश बना दे सरल रेखा पर। यह हो गई। एक दूसरी परिभाषा ऐसी हो सकती है कि सरल रेखा पर गिरने वाली वो रेखा जो दोनों ओर कोण बनाती है, ये सरल रेखा पर गिरने वाली वो रेखा जो दोनों ओर कोण बनाती है, इधर भी कोण बनाती है, इधर भी बनाती है, यहाँ यहाँ, वो लंब रेखा कहलाती है। तो लिख लो, सरल रेखा पर गिरने वाली वह रेखा जो सम कोण बनाती है लंब रेखा कहलाती है। ध्यान दीजिए, रेखाखंड
एंड की, मतलब इसे ऐसे कह सकते हो बच्चा, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट एंड रेडियस ऑफ सर्कल, इसकी डेफिनेशन कैसे बताएंगे, परिभाषा कैसे बताएंगे? देखिए इसका एक डेमो देखिए। अगर ये ए बी एक रेखा है और इसके बीच में कोई मैं एक पार्ट काट डालूँ, इसको निकाल लूँ, पी क्यू मैंने इतना काट के निकाल लिया, और ये पी क्यू मैंने निकाल के यहाँ बचा, इसको बच्चा स्थापित कर दिया, तो ये जो पी क्यू है वो क्या है, ये रेखाखंड है। ए बी पूरा क्या था, एक रेखा थी, और ये पी क्यू क्या है, एक रेखाखंड है। हाँ इसमें अंतर होता है, ये दोनों तरफ को इसमें एरो होता है, दोनों तरफ को एरो होता है, इसका मतलब ये दोनों तरफ को बढ़ती है रेखा, अनंतता को बढ़ती है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, बात समझ में आई, नॉन लिमिट। लेकिन रेखाखंड में कभी भी किसी भी तरफ एरो नहीं होता है, इसका ये निशानी होती है कि टुकड़ा होता है एक, इसकी परिभाषा आप लिख सकते हो कि रेखा के किसी भी भाग को रेखाखंड कहते हैं। अगला है वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, आप लोग लिख लो, परिभाषा लिखना है बच्चा किताब में, यही कहा है आपके सवाल में नाइन्थ में, नोट करो, मुंह फैला के देखो मत, कॉपी किताब लेके आया करो, नहीं बहुत मार पड़ेगी जान लो। अभी पता है ना कि ऑनलाइन में पढ़ रहे हो इसलिए नहीं पढ़ रही ना, नहीं बहुत पढ़ती है जानते हो ना। देखो इधर वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, पहले तो आप वृत्त देखो, ये क्या एक वृत्त है, जिसे इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं ना, तो बच्चा इसमें त्रिज्या परिभाषा करना है तो पहले त्रिज्या बात करते हैं, जो बीचों बीच में होता है उसे केंद्र बोलते हैं, सेंटर, और ये लाइन जो होती है त्रिज्या कहलाती है, लेकिन पहले कुछ परिचय तो हो जाए। ये सेंटर है बीचों बीच में जो है, केंद्र, हिंदी में केंद्र, इंग्लिश में सेंटर, इसे जो चारों तरफ घूमा है इसे इंग्लिश में सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, हिंदी में परिधि बोलते हैं। हाँ तो क्या कहोगे, इसकी परिभाषा क्या होगा, वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। लिखो, वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। तो ये आपके जो सवाल थे ना उसमें के चार डेफिनेशन हो गए बच्चा। इसमें एक और पूछा है लास्ट में, वर्ग, वर्ग पूछा है, बड़ा आराम से इसका परिभाषा आप दे लोगे, चलो भर से लिख लो इसका भी। वर्ग क्या होता है, देखो वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, व्हाट इज स्क्वायर, तो बच्चा स्क्वायर जो होता है ऐसा होता है ये बच्चा, बहुत सीधा साधा होता है ये, क्या बोलूँ, समझ में आ रहा ना। देखो वर्ग, इसकी ये भुजा अगर दो है तो ये भी दो ही होगी, ये भी दो होगी और ये भी दो होगी। इसकी परिभाषा कैसे दोगे वर्ग की, आप लिखोगे एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में समान होती हैं वो वर्ग कहलाता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में समान होती हैं वो वर्ग कहलाता है। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सारा जो पार्ट था वो क्लियर हो चुका बच्चा है, कि यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी इक्वल हाफ ए बी। देखो ये है बच्चा लोग एक्सरसाइज आपका 5.1 क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथ। तो देखो हम इसको इसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं, हमने इसे बना लिया, कह रहा है कि ए और बी के बीच में एक बिंदु है सी, हमने कर लिया सिद्ध करने को, कह रहा कि ए सी जो है बच्चा लोग वो क्या है, हाफ ए बी के बराबर है, और यहाँ एक कंडीशन दिया है ये कि ए सी जो है वो बी सी के बराबर है, मतलब कि ए सी यहाँ से यहाँ जो है ये बी सी के बराबर है, यानी इनका कहने का मतलब ये इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। तो चलो देखो सिंपल सी बात है, हम इसी से चलते हैं, हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर हमें ए बी निकालना है, क्या निकालना है, ए बी, तो यहाँ आप लिखो ए बी इक्वल, आप जानते हो ए सी धन ये बी सी होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा ना भैया। अगर हमें पूरा निकालना है, पूरा ना, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों जोड़ के भी तो निकाल सकते ना, इसको ऐसे समझ लो, जैसे अगर मान लो ये पूरी दूरी हमारी 4 सेंटीमीटर है, कितना है 4 है, और ये मान लो कि खुदा ना खास्ता ये दोनों अलग अलग पार्ट में है, ये 2 है और ये भी क्या है 2 है ना, मतलब पूरा टोटल 4 है, तो ये आधा 2 होगा, आधा 2 होगा ना, बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं, ए चाहे तो ए बी का मान, यानी पूरा का 4 रख दें इधर और इसका दो रख दें, तब भी तो बराबर होगा ना, कर सकते हैं ना। तो ये इस तरह से हो गया, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, 4 2, इसको आपको नहीं लिखना है। हाँ अब देखो क्या होगा आगे, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो, इसको क्या है इसका पूरा कहानी,
अब यहाँ पे चूंकि दिया है ए सी इक्वल बी सी दिया है, यानी ए सी की जगह पर आप बी सी लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, और भी कुछ लिख सकते हो क्या? ए सी की जगह पर बी सी, तो चलो कर लेते हैं। देखो ए बी इक्वल ए सी की जगह पर हम क्या लिख लें? बी सी। देखो इसमें जो सिद्ध करना है थोड़ा सा अलग है क्या यार, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए सी इक्वल हाफ ए बी, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, चलो लिखते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हम बी सी की जगह पर ए सी लिख सकते हैं, तो हमारा ये तो ए सी पहले था वैसे हो गया, इस बी सी की जगह पर हम ए सी लिख देंगे। तो आप समझ गए अब कि ये ए बी इक्वल हो जाएगा टू ए सी, इतना तो आपके दिमाग में घुस गया होगा। तो बच्चा लोग आप जानते हो यहाँ ए बी बराबर दो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा बराबर ए सी हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ये आपका उत्तर आ गया। लेकिन आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे, ये तो एक बट्टा दो है ही नहीं, तो है इसमें एक बट्टा दो, इसे आप ऐसे लिख सकते हो ए सी इक्वल वन अपान टू इंटू ए बी, ये लिख सकते हो। चाहे बीच में गुणा का चिन्ह लगाओ या ना लगाओ, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर इसका गुणा करोगे तो फिर वैसे हो जाएगा ए बी अपान टू हो जाएगा, लेकिन हमें सिद्ध इस रूप में करना था इसलिए हमने इसको ऐसे कर दिया। अब यहाँ लिख दो इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड, क्या लिखोगे? हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर जो था फोर वाला हो गया। अगला देखो, देखो अगला सवाल कह रहा है कि प्रश्न चार में, यानी कि जो अभी आपने देखा क्वेश्चन नंबर फोर, उसमें सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, यानी कि मिडल पॉइंट है, वो बात आपने समझ लिया था, बिल्कुल है मध्य बिंदु है। आगे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, मतलब एक से अधिक मध्य बिंदु नहीं होता है। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ है उसमें कहें कि इसका मध्य बिंदु बताओ बीचों बीच कहाँ होगा, तो एक ही जगह होगा, एक से अधिक तो नहीं होगा। लेकिन इनको सिद्ध करके दिखाओ, तो सिद्ध करने के लिए क्या करोगे? देखो जैसे अगर मान लो कि किसी को सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि वो चोर है, मतलब वो चोर है, तो क्या करोगे आप? उसका प्रूफ उसे पकड़ोगे चोरी करते समय, तभी तो आप सिद्ध कर पाओगे चोर है ना। या फिर किसी को सिद्ध करना है कोई ईमानदार है, तो क्या करोगे आप? उसे उल्टा मानोगे कि वो चोर है, हाँ, उसके बाद आप क्या करोगे? उसमें चोर के लक्षण ढूंढोगे, बुराइयाँ ढूंढोगे, अगर उस तरह से मिलते हैं तो मतलब चोर है, नहीं तो ईमानदार है। तो वैसे ये कह रहा है कि इसके एक ही मध्य बिंदु है, हम मानते हैं कि चलो इसके एक से अधिक मध्य बिंदु है, हम इसको परखते हैं। तो हमने मान लिया कि माना इसका, आप लिख लो, माना डी इसका एक दूसरा मध्य बिंदु है, ठीक है, इसे आप लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, लेट डी इज अनदर मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ओके। तो अगर हम इसका एक मध्य बिंदु डी मान लें तो क्या हो जाएगा आप बताओ? हम सी को अनदेखा कर दे रहे हैं, सी मान लो है ही नहीं, तो क्या होगा? ए बी बराबर क्या होगा बच्चा लोग, आप जानते हो? ए बी बराबर आपका ये हो जाएगा, लेकिन हमें ए बी निकालना भी है, ए डी, एक मिनट रुके रहो, ए और डी, ए डी बराबर क्या होगा? हाफ ए बी होगा, बोलो होगा कि नहीं? अब आप कहोगे ये कैसे होगा, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया? ये अभी आपने समीकरण जो चौथा सवाल था उसमें क्या सिद्ध किया था? ए सी इक्वल वन अपान टू ए बी, बोलो सिद्ध किया था कि नहीं? अभी अभी सिद्ध किया था ना, सिद्ध किया था ना, जब आपने इसको डी को नहीं माना था सी को माना था, तो आपने सिद्ध किया था ए सी बराबर एक बटा दो ए बी, सिद्ध किया था ना। हमने कौन सी बुराई किया? आपने सी की जगह पे मध्य बिंदु डी मान लिया, तो जब डी मान लिया तो सी की जगह पे डी हो गया, ये इतना हो गया, हो गया ना, इसको लिख लो फटाफट, ये समीकरण दो हो गया, क्या हो गया? ये समीकरण दो हो गया। अब समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से आप देखो तो समीकरण एक और दो में बच्चा लोग इसका राइट साइड बराबर है, देखो इधर भी वही है, यहाँ भी वही है ना। तो अगर किसी के समीकरण के एक पक्ष बराबर है दूसरे समीकरण के, तो उसका दूसरा पक्ष ऑटोमेटिक बराबर होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? तो आप यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे, लिखो जल्दी से, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से लिख दो जल्दी से, तो क्या हो जाएगा? ए सी इक्वल ए डी, मतलब ए सी जो है वो ए डी के इक्वल हो गया। अब क्या सिद्ध हो गया कि नहीं? हाँ, अब देखो सिद्ध कैसे हो गया, कहने का ये मतलब है कि ये चाहता है कि जो ए सी है वो ए डी के बराबर है, मतलब ए सी वो ए डी के बराबर है। इसका कहने का यह मतलब है कि दोनों का जो मध्य बिंदु है वहीं पर जा रहा है वो, अगर ये अलग अलग आया होता तो सिद्ध हो जाता कि ये मध्य बिंदु है, लेकिन जो एसी है, एसी उसी के बराबर एडी है, एडी का कोई अलग से मान नहीं आ रहा है, देखो हो गया बराबर ना। यानी अगर एसी हम बोलें बच्चा लोग ये 5 सेंटीमीटर था,
तो एडी बोल रहा है कि हम भी 5 ही सेंटीमीटर रहेंगे, उससे कम नहीं होंगे। तो अगर एसी 5 था तो एडी 5 कैसे होगा, सोचो, हो सकता है क्या? नहीं होगा ना भाई। अगर यहाँ तक 5 है तो यहीं तक 5 कैसे होगा, ज़्यादा होगा ना वो, यानी ये एक्सपेंड करना चाहता है, समझ गए ना। अब नीचे लिख लो, इससे सिद्ध होता है कि एसी और एडी एक ही जगह है और किसी भी मतलब संख्या रेखा का, या फिर ऐसे कह लो किसी भी रेखाखंड का एक से अधिक मध्य बिंदु नहीं हो सकता है। ठीक है, इसे जल्दी से लिख लो, फटाफट लिखते चलो। और अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना नहीं भूलना, जिससे कि आप पढ़ सको। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। बहुत ही आसान सवाल है, एकदम आसान है, इससे ज़्यादा आसान सवाल आज तक कहीं हुआ ही नहीं। देखो सवाल में क्या कहता है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। कह रहा है कि आकृति 5.10 में यदि AC इक्वल BD है तो सिद्ध कीजिए AB इक्वल CD। आकृति जो कह रहा है ना, यही आकृति की बात कर रहा था, बुक में ये चित्र बना था इसलिए इसको ऐसा लिखा था, मैंने यहाँ बना लिया। हाँ, इसमें कह रहा है कि यदि AC BD के बराबर है, AC बराबर है BD के, बच्चा ध्यान देना, मतलब ये जो AC है वो BD के बराबर है, यानी जितना ये AC है उतना ही ये BD है, ऐसा ये कह रहा है। हाँ, तो क्या करोगे अब, AC और BD के बारे में बोल रहा है तो AC BD निकाल लो। चलो AC बराबर हम निकालेंगे A और C, इसको किनारे कर दो हम, इतना अगर लें तो आप ये सोचो कि अगर इसके बीच में एक टुकड़ा है तो AC बनाने में क्या क्या प्रयोग हुआ भाई, AB और धन BC ना। तो बच्चा इसे लिख सकते हो AB धन BC, ये समीकरण एक। उसके बाद अगला अगर हम बात करें तो क्या है, BD। अब BD बनाने में क्या क्या उपयोग हुआ भाई, ये इतना BD, देखो BC और CD ना, तो क्या लिखोगे, BC धन CD, ये हो गया समीकरण दो। क्या करोगे, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से, चूंकि कह रहा था कि जो AB है वो CD के बराबर है, तो बच्चा समीकरण एक व दो से क्या करोगे, AB व, ऐसा नहीं लिखो, थोड़ा गड़बड़ लग रहा मुझे ये, ऐसा सही नहीं है, आप पहले लिखो इधर साइड में लिख लो, यहाँ कम अच्छा लग रहा, नीचे सही नहीं है। इसके बाद यहाँ लिखो, लिखो चूंकि AB इक्वल CD, ये दिया है भाई, ब्रैकेट में लिख लो, चाहे दिया है, इसलिए AB का मान रख दो बच्चा, AB CD के बराबर है ना। हमने निकाला किसका मान है, AC का निकाला है ना, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, AC BD के बराबर है, AB नहीं दिया होगा इसमें, ये देखो AC BD के बराबर है, तभी तो मैं कंफ्यूज हो गया बच्चा। हाँ, AC किसके बराबर है, BD के। हाँ अब ठीक है, तो AC का मान यहाँ से लाके रख दो, AB धन BC बराबर BD का मान भी ला के ढकेल दो इसमें, BC धन CD, क्या है BC धन CD, ये क्या है, दिया गया था ना। अब क्या, अब तो सिंपल सा है यार, ये देखो AB है, ये BC है, ये BC है, यानी आप BC से BC काट सकते हो, चूंकि इधर आएगा तो माइनस से घट जाएगा, इस तरह से आपके पास बचेगा AB बराबर CD। नीचे लिखो इति सिद्धम, अतः सिद्ध हुआ, hence proved, सिद्ध हो गया कि AB जो है वो CD के बराबर है। कितना आसान है भाई, एक चित्र दिया था, इसमें ये सब कुछ बोला था, बनाया था, मुझे कुछ नहीं करना था। हमने क्या किया, AC और BD का मान निकाल लिया, तो AC निकालने के लिए हमने AB और BC जोड़ा भाई, सिंपल सी बात है, अगर AC निकालेंगे तो बीच में है तो दोनों आधा आधा जोड़ेंगे तो हो जाएगा पूरा, इस तरह से करके ले जाके मान रख दिया, हो गया, फटाफट नोट कर लो बच्चे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपका ये इसमें का 6ठा क्वेश्चन हो चुका है। अगर आप इसी तरह से और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, क्योंकि आप ये क्लास देख रहे हैं PVR स्टडी के फेसबुक पेज और PVR स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया, इस तरह से आप बड़ी बड़ी क्लास देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, पूरा एक्सरसाइज पूरा चैप्टर एक ही दिन में खत्म हो जाए, उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को हमारे साथ जोड़ें। और हाँ, ये नंबर जो दे रहा हूँ ना बच्चा, इस पर फ़ोन करके बताइए कि आपके कितने मित्र हैं पढ़ने में क्लास 9 में,
और उसके बाद हम लाइव शुरू करेंगे पूरे घंटे घंटे की बड़ी बड़ी क्लास। लेकिन ज़रूर बताना पहले कि हाँ हमारे साथ इतने बच्चे हैं, हम इतने लोग मिलकर पढ़ेंगे। चलो आते हैं अगले क्लास में। सही बंद क्या कहता है जरा ध्यान देना, बड़ा ही अटपटा सवाल है ये, बड़ा टेंशन वाला सवाल है। लेकिन मान लो एग्जाम में आ गया खुदा ना खास्ता, तो आप इससे कैसे निपटोगे, मैं वो तरकीब आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सवाल कहता है कि यूक्लिड की अभिगृहितों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 जो है वो एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। अब आपको ये नहीं पता कि यूक्लिड का है, अभिगृहित का है, ये अभिगृहित 5 क्या है, तब तो कुछ नहीं समझ पाओगे। हाँ, लेकिन आगे एक और भी चूतिया बना रहा है, एक प्रकार से बेवकूफ़ बना रहा है आपको। कह रहा कि ध्यान दीजिए यह प्रश्न पांचवी अवधारणा से संबंधित भी नहीं है, बड़ी विडंबना है। देखो फिर इसका कुल मिला के मतलब समझ लो, इसका कहने का यही मतलब है, पांचवी अवधारणा से जो निष्कर्ष निकलता है उसका यही मतलब है जो वो कहता है कि पूर्ण अपने भाग से हमेशा बड़ा होता है। अब पूर्ण और अपूर्ण का मतलब समझो, जैसे भैया अगर हमने लिखा 4 तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 1 लिख सकता हूँ ना, तो 4 क्या है, ये पूर्ण है, ये क्या है, पूर्ण है। लेकिन जो 3 और 1 है, ये 3 और 1 भी 4 का एक भाग है, मतलब ये पापा हैं, ये इनके दोनों बेटे हैं। तो भैया बाप हमेशा बेटा से बड़ा होगा कि नहीं, बताओ, बड़ा होगा ना, तो इसमें कौन प्रमाण देने की ज़रूरत है, नहीं ना। एक बार और देख लो, जैसे अगर मैंने लिख दिया 9 तो 9 को आप लिख सकते हो 5 × 4, मतलब ये क्या है, 9 एक पूर्ण है, मतलब पूर्ण संख्या मानो या कुछ भी, पूर्ण संख्या तो वो भी है, लेकिन हाँ ये एक बड़ा भाग है और ये 5 और 4 इसके 9 के भाग हैं, दोनों पार्ट हैं, मतलब इसके लड़के बच्चे हैं। तो भाई ये तो हमेशा बड़ा रहेगा कि नहीं, यही चीज़ ये बोल रहा है कि बताओ ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है, हाँ बताओ क्यों होता है। तो आप नीचे क्या लिखोगे, हिंदी में लिख लो, क्योंकि पूर्ण का भी, क्योंकि पूर्ण का भी भाग 2, एक मिनट रुके रहो मैं देखने दो क्या है भैया ये, हाँ देखो इसमें निष्कर्ष जो ये निकला है, क्योंकि जो पूर्ण है उसका ही भाग 2 जो अधूरे हैं वो भी हैं, या फिर ऐसे कह सकते हो, इसको ऐसे भी कह सकते हो, क्योंकि पूर्ण का भाग है वह पूर्ण से ही बना है, क्योंकि ये सभी क्या हैं, पूर्ण के ही भाग हैं और पूर्ण से ही बने हैं, अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण हमेशा अपने भागों से बड़ा होता है, इसके लिए कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार पिता हमेशा अपने बच्चों से बड़ा होता है, तो इसके लिए कोई हमें प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये चीज़ ऐसे लिख लेना, एक बार फिर से सुन लो इसको देखो। पहले कह रहा कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ये भाई सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, तो नीचे आप लिखो, क्योंकि पूर्ण का जो भाग होता है वो पूर्ण से ही निकला होता है, ऐसे लिखो, क्योंकि पूर्ण का जो भाग होता है वो पूर्ण से ही निकला होता है। ये पूर्ण, पूर्ण बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये पूर्ण मतलब होल नंबर, एक प्रकार से अगर पूर्ण संख्या बोले तो लिखो, पूर्ण का जो भाग होता है वो पूर्ण से ही निकला होता है, इसलिए पूर्ण अपने भाग से हमेशा बड़ा होगा, इस बात के लिए कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। एक उसी प्रकार से जिस प्रकार बाप हमेशा बेटे से बड़ा होता है, इसकी हमें कोई प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लिख लेना बस।